पाकिस्तानी है, तुम पाकिस्तानी नहीं हो। यार मुझे ये समझ नहीं आती कि टिकटॉकरों के लॉजिक के हिसाब से अगर बंदा रोस्टिंग करता है तो वो पाकिस्तान से बाहर कैसे हो जाता है। वो यही में यही कहने लगा हुआ था, ये इंडिया नहीं ये पाकिस्तान है। यही अगर रोस्टिंग करने से बंदा पाकिस्तान से बाहर हो जाता है तो बताओ यार, छोड़ देता हूँ रोस्टिंग, मेरा घर है यार इधर। अब तू रोस्टिंग अगर मेरी करेगा ना तो काका अब ध्यान रखी तेरी रोस्टिंग में कैसे करती हूँ। अब तू याद करेगा कि किसी लड़की के साथ पाला पड़ा था मेरा, और वो भी बाबा जी साइलेंट गर्ल। तो बाकी गाइस अगर तो आप मेरी बातों से एग्री करते हैं नहीं तो इधर एंड हो जाती है साइलेंट गर्ल की भर रोस्टिंग, तालियां हो जाए। तो अभी टिकटॉकर्स पे रिस्पांस वीडियो बनी रही है, तो ऐसे एक दो और हैं जिनसे पंगा शंगा हुआ था, जिनको कभी जवाब नहीं दिया, तो पेल लेते हैं उनको भी इसी वीडियो में। एलेक्स मुझे एक बात बताएं कि ये डकी मतलब बार बार टारगेट करता है, मतलब कभी आपको कभी किसी को, मतलब क्या मतलब उसकी शख्सियत है, क्या शख्सियत ही तो उसकी है ना, यक लगाता है ना वो। उत्तर बंदे की शख्सियत यक हो या डिसेंड, एटलीस्ट शख्सियत होनी चाहिए। अब तुम जैसे सुर्खी पाउडर लगाने वालों को ये नहीं पता कि मुझे टिकटॉक पे बैठ के लड़कों वाली हरकतें करनी है या लड़कियों वाली, तो शख्सियत घटा होनी है। ऐसे लोगों को किसी फॉर्म में सांस का सवाल आ रहे तो लिखते हैं बड़े बड़े लिए हैं, लेकिन आज तक मजा नहीं आया। कोई इनसे टैलेंट के बारे में पूछ ले तो कहते हैं 3-4 एक साथ ले लेता हूँ। कोई इनके मारते वक्त पूछ ले कि कितना कमा लेते हो तो इनका जवाब होता है रिस्क पे बैठूं झूठ नहीं बोलूंगा, दिन का 1000 रुपए कमा लेता हूँ जिसमें से 500 मेरा 500 तुम्हारे का। एलेक्स मुझे एक बात बताएं, जो डकी ने आपको रोस्ट किया दोबारा से, तो क्या कहना चाहेंगे आप उनको? यार उसके बारे में तो बंदा कुछ ना ही कहे, क्योंकि वो बंदा है वैसे इतना जाहिल है, और मुझे तो उस आवाम पे मुझे होता है कि आप जो है वो एक बंदा जो है वो लोगों को गालियां दे रहा है। लाइक हम लोग अगर वीडियोस बना रहे हैं, हम किसी को कुछ नहीं कह रहे ना। लड़कियों वाले कपड़े ये पहनते हैं और जाहिल हैं हम, बेस पाउडर लिपस्टिक ये लगाते हैं और जाहिल हैं हम, ब्रेजर्स पैंटीज पहनने का इन्हें शौक है और जाहिल हैं हम, मुजरे ये करते हैं और जाहिल हैं हम। तुमको बारिश पसंद है, मुझे बारिश में तुम। यार हर चीज में बंदे नहीं मरवाते, एक बात और ना, ये बारिश यार ये कौन एडिट कर रहा है? यही हर बच्चे की बचपन में ख्वाहिश होती है कि उन्हें फौज या पुलिस में भर्ती होने, लेकिन ऐसे लोग होते हैं जिन्हें मुजरों की फौज में भर्ती होने का शौक होता है। कभी इनकी इंटरनेट की हिस्ट्री चेक कर लो तो हीरामंडी में मॉडलिंग के एप्लीकेशन फॉर्म सर्च मारे होते हैं, जहाँ शादी ब्याह में लोग अपनी गपशप में लगे रहते हैं, ऐसे लोग नाचने वालों के साथ बैठकर अपना नंबर एक्सचेंज कर रहे होते हैं, चस्का भी हम लोगों से लेते हैं और बातें भी हम लोगों पे करते हैं। इन्हें भी अच्छी तरह पता है कि ये लोग आवाम को लेसन नहीं चस्का देते हैं। अब जहाँ चस्के की बात चल ही रही है तो ये लोग और क्या चाहते हैं कि हम इनकी वीडियो देखकर शलवारों में हाथ डाल लें। ऐसे इधर बच्चे के फोन पे तो VPN पड़ा होता है, अब इनकी वीडियोस देखकर हम अपना पानी जाया करना शुरू कर दें तो ये जॉनी मियां इनके बिजनेस तो ठप हो जाएंगे भाई। मुझे एक बात बताएं, मतलब जो डकी है वो आप मतलब सब टिकटॉकर्स के बारे में मतलब एक ही बात करता है कि आपकी वीडियोस का कोई कांटेक्ट नहीं होता, कंटेंट नहीं होता, मतलब चले ठीक है, मतलब कोई उनका, आप मुझे बता दें जो वो कॉन्सेप्ट बना रहा है वो क्या बना रहा है? एक टांग 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 उठा लेगा और बस गाली गलोच, ये जो इसमें लाइक इस तरह तो ये भी मैं भी कर लूं, मैं भी कहां से कहां चला जाऊं। 2 मिनट के लिए साइड पे करो, इस लड़की की बात करते हैं। इसे अभी तक ये नहीं समझ आ रहा कि चस्का सिर्फ हम ही नहीं लेते बल्कि ये भी चस्के ले रही है। बंदा एक सवाल करता है, दो सवाल करता है, 5 मिनट के इंटरव्यू में 4.5 मिनट तो डकी डकी डकी, तो मेरे से ही आके पूछ लो। एक तो इंटरव्यू इतना थर्ड क्लास, वो तो मुझे तभी पता लग गया था जब तुम्हारा गेस्ट एलेक्स भट्टी आ रहा था। और ये जो इसने बात की है ना कि टांग उठाकर बोलता रहता, तो एंड में मैं बस ये कहना चाहूंगा कि पुत्र एक टांग उठाने में और दो टांग उठाने में फर्क होता है। अगर चटे होकर तेल ला के, वैसलीन की क्रीम ला के, निविया क्रीम ला के, दिन में धोई के शैंपू पा के, उसको पखे पा के, शायद फ्रिज का बैग में तेरी धोई के पावा। अगला ले आओ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कुछ देर पहले टिकटॉक क्वीन एलेक्स भट्टी भाई साहब कह रहे थे कि इन्हें तमीज नहीं है, ये तमीज है, ऐसे बैठा जाता है सोफे पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे कि आप जानते हैं। अच्छा तो आपने ही बोलना। क्या इतना बुरा हूँ मैं मां? हम गाली भी नहीं देते। हाँ, क्योंकि हम उन लोगों की तरह नहीं है जो वो गाली बोलते हैं ना। किसी की बारा बोल कर डकी करो, डकी शक्की डकी, तो भाई मेरा नीचे कुत्ता है डकी, उसका नाम रखा हुआ है। इसके नीचे एक कुत्ता है जिसका नाम डकी है। अब फिलहाल तो मुझे इसके नीचे सोफा ही नजर आ रहा है, पता नहीं किस कुत्ते की बात कर रहा है जो इसके नीचे आके बैठ गया। इसके घर में पड़े सब कुत्ते शुत्ते सारे मिलके टिकटॉक बनाते हैं। ये जरूर है, मेरी बात सुनो। डकी पता क्या चाह रहा है? क्या चाह रहा है डकी? ये चाह रहा है कि मैं लोगों को बताऊं कि अली हैदराबादी उनका यार। पहले सारे 1 मिनट बैठ के हंस लो, ठीक है भाई साहब ने जुगत मारी है, पहले हंस लो फिर वीडियो पे वापस आते हैं। अली हैदराबादी उनका जीजा है।
मेरा छोड़ के किसी का भी जीजा नहीं बन सकता। और इस बंदे का मुंह देखो जरा, दुनिया का वाहिद ऐसा बंदा जो बदमाशी वाली मुझे रख के जॉब ऐसी करे जहाँ उसको टिकटॉकर के टट्टे उठा के मुंह में डालने पड़ रहे हो। तुझसे पहले तेरी बदमाशी पे लानत। हाँ ना भाई साहब, बहुत प्यार मोहब्बत वाले लड़के हैं। उसी प्यार मोहब्बत का फायदा उठा के आईफोन 11 के नाम पे दुबई में क्या क्या प्यार मोहब्बत हुई थी वो सबको पता है। अरे यार मैं इतना सा डाला है। अच्छा मैं बता करता हूँ कि अगले एपिसोड में पूरा डालूंगा और गाने में पूरा डालूंगा जी आपसे। क्या मैं बोला तूने? एक एपिसोड में पूरा डालूंगा और गाने में पूरा डालूंगा जी आपसे। पता करता हूँ कि एक दफा तुम बड़े मुझसे लाठी खत्म कर दो। यही यही एक बात बताए, अगर आप इस तरह के काम करें, अगर मतलब हम रिश्ते से ना कर दें तो लोग हमारे खिलाफ क्यों बनाना शुरू कर देंगे? फिर तालियां बजाओ यार। भाई साहब की टुई में चिमोरों ने फिर से काटा है। ऑस्कर विनिंग जोगन मारिया भाई साहब ने तो हंस लो सारे मिलकर बैठ के कह के लगा लो। हैदराबादी ने आईफोन के लिए तो ऑन स्क्रीन ये काम कर लिया, लेकिन जो उसका चार्जर है अगर वो चाहिए तो ऑफ स्क्रीन कुछ करना पड़ेगा भाई। रिश्ता रिश्ता तो ऐसे करा जैसे इसकी मशूक को मैं भगा के ले गया हूं। सबको पता है सेम कहां से आया है। पहले नानी वाले ने मरवा मरवा के आईफोन ले लिया, डाल डाल के हालत खराब कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी अगला रो रहा है क्योंकि थोड़ा सा डाला गया है। यार मैं इतना सा डाला है। अच्छा मैं बात करता हूँ कि अगले